हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे। तो मैं लेके आई हूँ बहुत यमी सा नाश्ता का रेसिपी। तो चलिए, उसके लिए हमें चॉपर ले लेना है। उसमें हमने कट करके ओनियन डाल दिया, हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया, और फिर हम अभी इसे फाइन चॉप कर लेंगे चॉपिंग से। आप हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं अगर चॉपिंग नहीं है तो। पैन में थोड़ा पानी था, उसे ड्राई कर रहे थे हम गैस पे रख के। उसके बाद हमने ले लिया एक ग्लास, उसमें डाल दिया प्याज, मिर्ची और गार्लिक का जो चॉपिंग वाला चॉपिंग करके रखा था वो। उसके बाद हमने उसमें डाला साबुत जीरा, फिर हल्का सा नमक, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लीजिए आप। उसके बाद हमने अंडा डाल दिया, और इतनी मस्त रेसिपी बनेगी ना अंडे की, तो पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी एग का। और अपने बच्चों को जरूर दीजिएगा खाने के लिए, उनके लिए हेल्दी है। मैं भी अपनी बिटिया के लिए बनाई थी, उसे बहुत पसंद है। इसे अच्छे से फेंट लेना है, और फेंटने के बाद हमें पैन में थोड़ा तेल डालना है। तेल को अच्छे से पूरे पैन में फैला देना है। फैलाने के बाद हमें क्या करना है कि जब गर्म हो जाए थोड़ा तेल, उसके बाद जो बैटर बनाया आपने एग, प्याज और लहसुन मिर्ची का, सबको इसे डाल देना है पैन में। फिर फैला दीजिए अच्छे से। उसके बाद जब वो थोड़ा सा लगे नीचे से ड्राई हो गया है, तो बस इस तरह से फ्लिप करिए, और देन रेडी हो गया हमारा एग ऑमलेट। यमी यमी सा, आप चाहिए तो इसमें ब्रेड भी लगा सकते हैं, ब्रेड भी खा सकते हैं लगा के। तो खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए लाइक कमेंट करके, और बच्चे को जरूर दीजिएगा। इस तरह से पिज्ज़ा की तरह काट के देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। आप इसके ऊपर थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं, बच्चे को पसंद आएगा। मैं वो क्लिप लेना भूल गई तो मैंने बाद में दे दिया बच्चे को। मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद आया, आप बताइएगा आपके बच्चे को पसंद आया कि नहीं आया। बाय बाय।